हाय गाइस, तो फाइनली हुंडई मोटर्स इंडिया लिमिटेड ने ऑफिशियली रेवल कर दिया है आपके ऑल न्यू हुंडई अल्काज़र के डिज़ाइन को। साथ ही में हुंडई मोटर्स ने कंफर्म किया गाड़ी के इंजन स्पेसिफिकेशन के बारे में एंड क्या मोटे मोटे अपडेट्स आपको मिलने वाले हैं, अभी ये क्लियर हो चुके हैं। तो आज की वीडियो के अंदर आपको मैं ऐसी कुछ अपडेट्स देने वाला हूँ ऑल न्यू 6 सीटर एंड 7 सीटर हुंडई अल्काज़र के बारे में, जो कि आपको काफ़ी काम आएंगी जस्ट इन केस यू आर प्लानिंग टू बाय अ बिगर SUV फॉर योर फैमिली नीड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर मैं मोटे मोटे हाईलाइट्स की बात करूँ तो इसको मैंने 5 पॉइंट्स में कन्फर्म किया हुआ है। पहला रहेगा आपका, ये जो गाड़ी है आपकी 150 mm लंबी रहने वाली है आपके हुंडई क्रेटा मॉडल से। इसके अलावा गाड़ी का जो व्हील बेस रहेगा वो रहेगा आपका 2760 mm का, जो कि अपने सेगमेंट के अंदर हाइएस्ट है। इसके अलावा पहली बार गाड़ी के अंदर ऑफर किया गया है 2.0 लीटर का पेट्रोल इंजन, देना भी चाहिए था बिकॉज गाड़ी थोड़ी सी बड़ी है तो 2 लीटर का इंजन तो बनता ही है। इसके अलावा ये सेम इंजन अभी तक आपको ऑफर किया जाता था आपके हुंडई टुसॉन एंड आपके हुंडई एलेंट्रा के अंदर, बट यहाँ पे गाड़ी का जो आउटपुट है इंजन का 2.0 लीटर इंजन का, उसको थोड़ा सा और बढ़ा दिया गया है। तो 7 से लेकर 10 HP तक का आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा पावर मिलने वाला है। इसके अलावा आपका जो हुंडई क्रेटा का 1.5 लीटर का डीजल इंजन था उसको एज इट इज़ कैरी फॉरवर्ड कर दिया गया है, बट हाँ इसके जो ट्यूनिंग है उसको चेंज कर दिया गया है। इसके अलावा जैसा आपको मैंने पहले बोला था, इस गाड़ी का व्हील बेस लॉन्गेस्ट इन सेगमेंट रहने वाला है। तो अगर आपका टाटा सफारी लेने का प्लान था, आपका MG हेक्टर प्लस लेने का प्लान था, तो यहाँ पे आपको हुंडई अल्काज़र ऑफर करती है लॉन्गेस्ट व्हील बेस। अब आप बोलोगे व्हील बेस से क्या फ़र्क पड़ता है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, अगर गाड़ी का व्हील बेस बढ़ेगा तो आपको रियर रो में थोड़ा सा ज़्यादा स्पेस मिलता है, लेग रूम मिलता है। तो उसका फ़ायदा क्या है कि अगर आपकी फैमिली मेम्बर्स वगैरह आप ट्रैवल करोगे तो आप ज़्यादा कंफर्टेबली गाड़ी में बैठ पाओगे, व्हील बेस की वजह से आपका जो रियर साइड का कैबिन स्पेस है वो बढ़ जाता है। इसके अलावा गाड़ी जो है आपकी हुंडई ऑफिशियली क्लेम करता है कि इसका जो 2.0 लीटर का इंजन है ये 0 से लेकर 100 किलोमीटर आवर की स्पीड विद इन 10 सेकेंड पकड़ लेता है। तो अभी यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है, 6 सीटर 7 सीटर में आपको ये गाड़ी मिलने वाली है एंड इसकी जो स्पीड है 0 से 100 तक पहुंचने की वो आपकी विद इन 10 सेकंड रहने वाली है इन केस यू आर ऑप्टिंग फॉर 2.0 लीटर पेट्रोल इंजन इन हुंडई अल्काज़र। इसके अलावा गाड़ी में जैसे आपको मैंने पहले बोला 6 सीटर गाड़ी आपको मिलेगी, तो वहाँ पे आपको जो आपकी मिडल रो है, मिडल सीट आपकी, वो मिलेगी आपको कैप्टन टाइप की एंड ये 1 टच टंबल टाइप की रहेगी एंड इसमें आपको स्लाइडिंग का ऑप्शन मिलेगा। तो अभी ये जो आपको बता रहा हूँ टंबल टाइप एंड स्लाइडिंग, ये आपको ऑफिशियली हुंडई दे रहा है, इन्होंने ऑफिशियली कंफर्म किया है। तो इसका टंबल टाइप फीचर ऑफर करने का एंड स्लाइडिंग फंक्शन ऑफर करने से फ़ायदा क्या है, आपके जो लास्ट रो है वहाँ पे जो आपका लास्ट रो में पैसेंजर बैठेगा उसको अंदर जाने में गाड़ी के एंड बाहर आने में काफ़ी आसानी रहेगी, आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी अपनी मिडिल रो को फोल्ड करने में। इसके अलावा आपका जो 7 सीटर रहेगा यहाँ पे आपको कैप्टन टाइप सीट नहीं मिलेंगी मिडिल रो के अंदर, आपको मिलेंगी बेंच टाइप की सीट, बट आइदर यू आर ऑप्टिंग फॉर 6 सीटर हुंडई अल्काज़र और यू आर ऑप्टिंग फॉर 7 सीटर हुंडई अल्काज़र, इन बोथ द व्हीकल्स आपको यहाँ पे टंबल टाइप फंक्शन मिलेगा एंड आपको स्लाइडिंग का फंक्शन सेकेंड रो में एंड थर्ड रो में मिलने वाला है। थर्ड रो में आपको ये फंक्शन इसलिए दिया गया है स्लाइडिंग का, ताकि आप अपनी जो लास्ट रो की सीट है उसको आप कंप्लीटली बेंट कर सको। इसकी वजह से होगा क्या, आपकी जो बूट स्पेस है गाड़ी का वो काफ़ी हद तक बढ़ जाएगा। पहले हम आते हैं व्हील बेस के ऊपर। जैसा आपको मैं बार बार क्लेम करके बोल रहा हूँ कि इसका जो व्हील बेस है वो हाईएस्ट इन सेगमेंट है, तो अभी आप यहाँ पे देखो 2760 mm का आपको गाड़ी के अंदर व्हील बेस मिलने वाला है हुंडई अल्काज़र के अंदर। 150 mm ये ज़्यादा है आपके हुंडई क्रेटा से एंड अगर हम इसे कॉम्पिटिशन से कंपेयर करें तो टाटा सफारी का आपका जो व्हील बेस है वो रहता है आपका 2741 mm का, वहीं पे आपका जो MG हेक्टर प्लस का व्हील बेस है वो रहता है आपका 2750 mm का एंड लास्ट में आपका जो महिंद्रा XUV500 का व्हील बेस है वो है आपका 2700 mm का। तो आप पाओगे कि इस गाड़ी का व्हील बेस हाईएस्ट इन सेगमेंट है। इसके अलावा गाड़ी के अंदर और भी काफ़ी कुछ ऐसा है आपको मिलने वाला जो कि आपको अभी तक नहीं मिल रहा था, जैसे कि आपका बूट स्पेस। ये गाड़ी आपको 3 रोज इन प्लेस होने के बावजूद ऑफर करती है 180 लीटर का बूट स्पेस, जबकि कंपटीशन में टाटा सफारी आपको ऑफर करती है केवल 73 लीटर का बूट स्पेस, MG हेक्टर प्लस आपको ऑफर करता है 155 लीटर का बूट स्पेस एंड XUV500 आपको ऑफर करती है 93 लीटर्स का बूट स्पेस। तो
180 लीटर के बूट स्पेस के साथ में आपकी हुंडई अल्कज़र बनती है चैंपियन इन टर्म्स ऑफ बूट स्पेस। तो अभी तक वो सारे फ्रेंड्स जो बोलते थे कि यार हेक्टर प्लस बहुत ही स्पेशियस गाड़ी है आलोक, एंड उसको लोगे तो ऐसा लगेगा कि कहीं पर भी चले जाओ आराम से, कंफर्ट कन्वीनियंस की कोई दिक्कत नहीं है बिकॉज गाड़ी के अंदर इनसाइड द कैबिन स्पेस बहुत है। तो अभी ये जो लोग कमेंट करते थे, थोड़ा सा उनकी कमेंट पे विराम लगेगा बिकॉज आपको ये गाड़ी भी काफ़ी हद तक अच्छा खासा बूट स्पेस देने जा रही है, एंड व्हील बेस बड़ा होने की वजह से आपको यहाँ पे सेकेंड रो में एंड थर्ड रो में अच्छा खासा लेग रूम वगैरह मिल जाने वाला है। बट अभी यहाँ पे एक चीज़ आप देखो, इस गाड़ी का जो कॉम्पिटिशन है वो रहता है टाटा सफारी के साथ, हेक्टर प्लस के साथ, एंड एक्सयूवी 500 के साथ। बट जैसा कि आप सभी को पता है, अगर आप ऑटो एंथुसियास्ट हो तो महिंद्रा काफ़ी टाइम से एक्सयूवी 500 की टेस्टिंग करता जा रहा है नए वाले मॉडल की। इसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, आप बाद में इसको सर्च करके देख सकते हैं। तो अभी इस सेगमेंट का जो कॉम्पिटिशन है ना, वो अच्छा खासा बढ़ जाएगा एक्सयूवी 500 के लॉन्च होने के बाद। उससे पहले अल्कज़र आ जाएगी आपकी। इसका जो ऑफिशियली वर्ल्ड वाइड ये लोग लॉन्च करने जा रहे हैं गाड़ी को, वो इसी मंथ में लॉन्च करने की उम्मीद है, लास्ट वीक तक। एंड इसका प्राइस वगैरह रेवल हो जाएगा आपका मई मंथ में जा कर के। तो अभी अब मैं बात करूँ फीचर्स की, तो अल्कज़र के अंदर आपको प्लेंटी ऑफ फीचर्स मिलेंगे। जैसा कि आपको मैं बताऊँ, 10.25 इंच का यहाँ पे इंफोटेनमेंट मिलने की उम्मीद है, जो कि आपका सपोर्ट करेगा एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कार प्ले। इसके साथ में आपको मिलेगा 360 डिग्री का कैमरा, होंडई कनेक्टेड टेक्नोलॉजी आपको मिल जाने वाली है। बेसिकली ये कनेक्टिविटी फीचर्स वगैरह ऑफर करती है, लाइक फ़ोन से गाड़ी को ऑपरेट करना, बेसिक फंक्शंस को, वो सारे आपके रहने वाले हैं। पैनोरमिक सनरूफ मिल जाएगा, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट मिल जाएगा। तो अगर आपके घर में कोई न्यूबॉर्न बेबी है या छोटा बेबी है तो यहाँ पे आप सीट वगैरह आइसोफिक्स लगा सकते हो, आपको यहाँ पर टेथर मिल जाने वाले हैं उसके। साउंड मूड लैंप मिल जाने की उम्मीद है, वायरलेस फ़ोन चार्जिंग भी आपको यहाँ पर मिल जाने की उम्मीद है। तो ऐसे कुछ फंक्शंस हैं जो आपको मिल जाने वाले हैं। इसके अलावा 6 सीटर 7 सीटर दो गाड़ियां आपको यहां पे मिलेंगी। मैं अगर इंजन स्पेसिफिकेशन की बात करूं तो जैसे आपको पहले मैंने बताया था, 2.0 लीटर का आपको पेट्रोल इंजन मिलेगा, 0 से 100 किलोमीटर आर की स्पीड पकड़ता है विद इन 10 सेकेंड्स एज पर द क्लेम्स मेड बाई हुंडई मोटर्स इंडिया। इसके अलावा 1.5 लीटर का डीजल इंजन आपको गाड़ी के अंदर मिल जाएगा डिफरेंट ट्यूनिंग के साथ में। अगर मैं 2.0 लीटर पेट्रोल इंजन के आउटपुट की बात करूं तो ये आपको देता है 159 HP की पावर आपके 192 न्यूटन मीटर टॉर्क के साथ में। वहीं पे अगर मैं बात करूं आपके डीजल इंजन की आउटपुट की, तो यहाँ पे आपको मिलेगा 115 HP की पावर 250 न्यूटन मीटर टॉर्क के साथ में। एक बात और ध्यान दीजिएगा, दोनों ही गाड़ियाँ आपको 6-speed मैनुअल एंड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ मिल जाने वाली हैं। दोनों गाड़ियाँ बोले तो आपकी हुंडई अल्कज़र 7 सीटर एंड आपकी हुंडई अल्कज़र 6 सीटर। तो ये कुछ अपडेट्स थे। अब हम बात करें अगर डिज़ाइन की, तो आप बोलोगे कि डिज़ाइन मिस कर दिया। डिज़ाइन जानबूझ के आपको मैंने अभी तक बताया नहीं था, बिकॉज आपको वीडियो देखने को मिली जा रहा है सामने स्क्रीन के ऊपर, एंड आप अभी तक अनुमान लगा चुके होंगे कि आपके जो हुंडई क्रेटा का नया मॉडल है उसे खींच के लंबा कर दिया गया है। इस गाड़ी को देख करके एटलीस्ट ऐसा ही समझ में आता है, बट आपको इनसाइड द कैबिन ही खास चेंजेस मिलने वाले हैं, जो कि रहेंगी आपकी सीट्स। इसके अलावा ड्यूअल टोन में आपको सीट मिल जाएंगी गाड़ी के अंदर। लास्ट रो तक आपको एसी वेंट मिल जाने वाला है, पैनोरमिक सनरूफ वगैरह रहेगा। स्पीकर कौन सी ब्रांड के रहेंगे वो अभी हुंडई ने ऑफिशियली कंफर्म नहीं किया है। बाहर की बात करूँ मैं तो आपकी फ्रंट लाइट्स लगभग सेम है आपके हुंडई क्रेटा से मिलती जुलती, बट हाँ आपकी जो रियर लाइट्स हैं उन्हें काफ़ी हद तक गाड़ी के में चेंज कर दिया गया है। एंड इसमें मैं अभी कुछ टिप्पणी नहीं करूँगा लाइट्स के बारे में, है तो ये LED लाइट्स, बट डिज़ाइन कुछ खास नहीं है। आप ये बोल सकते हो कि जो आपका सी शेप होता है उसको उल्टा करके फिक्स कर दिया गया हो, तो ये आपकी सी शेप से इंस्पायर्ड आपकी टेल लाइट्स गाड़ी के अंदर रहने वाली हैं। इसके अलावा एक खास बात और आपको मैंने अभी तक बताई नहीं, गाड़ी के रियर की बात करें तो यहाँ पे आपको ड्यूल एग्जॉस्ट टिप्स मिल जाएंगी। इसके अलावा जो स्किड प्लेट है उसके ऊपर आपको यहाँ पे थोड़ा सा एल्युमिनियम का वो मिल जाएगा फिनिश। तो गाड़ी का रियर साइड से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल कह सकते हो, या फिर आप ये कह सकते हो कि स्पोर्टियर लग रही है, बिकॉज गाड़ी में आपको ड्यूल एग्जॉस्ट टिप दिए गए हैं जो कि मेरे पर्सनल फेवरेट हैं। एंड स्किड प्लेट वो सिल्वर लाइनिंग वाली है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है। एंड लाइट्स का डिज़ाइन चेंज कर ही दिया गया है। मैं था आपका होस्ट आलोक सिंह। वो सारे फ्रेंड्स एंड व्यूवर्स जो पहली बार यू एंड आई ऑटोमोबाइल्स पे आए हैं, याद से फ्रेंड्स सब्सक्राइब का बटन दबा दो,
नहीं दबाया तो डे टू डे बेसिस पे आप ऐसे ही कुछ ऑटोमोबाइल के अपडेट्स मिस करते आते हो। एंड हाँ, एक बात और, इस वीडियो के अंदर मैंने सारा कुछ कवर कर दिया है जो कि अभी तक ऑफिशियली हुंडई ने कंफर्म किया है हमें ऑल न्यू हुंडई अल्कज़र के बारे में, तो आपको और कोई वीडियो यहाँ पे अभी देखने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। अपना ध्यान रखिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।